49वें विजय दिवस के अवसर पर कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच 13 दिन चले युद्ध में आज ही के दिन 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना को भारत के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा था, जिससे 16 दिसंबर प्रत्येक भारतीय के लिए ऐतिहासिक और उमंग भरने वाला दिन है। इसलिए इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को हम याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष संजय चौबे, तौकीर आलम, राजेंद्र यादव, महेंद्र नाथ मिश्रा, राजीव राय, शादाब आलम, अनिल सोनकर, उषा श्रीवास्तव, छात्र नेता आलोक, योगेश प्रताप सिंह, ओसामा खान, विजय कुमार राय, कुसुम पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, निर्मला पासवान जिला अध्यक्ष गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी। आज जैसा कि मालूम है कि हमारे देश के लिए सबसे बड़ा ही गर्व का दिन है 16 दिसंबर 16 दिसंबर 1971 को जो हमारे देश में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध हुआ था। 13 दिन लगातार युद्ध चला, जिसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान के आगे घुटने टेक दिए और 16 दिसंबर को आज विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और एक साहसी कदम जो आज 49वां विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का एक साहसी कदम रहा, जिसको आज हम हमारी कांग्रेस पार्टी कई तरह से इस पर्व को मना रही है और हम सब भारतवासी का आज उल्लास और खुशी का दिन है। 16 दिसंबर का दिन विजय का दिन है, जिसको हम लोग मना करके अपने शहीद हुए जितने सैनिक को सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।